अभी आगे जा करके एक और गणपति बप्पा के दर्शन करवाऊंगा आपको। बगल में ही एक पंडाल यहाँ पे भी बना है जहाँ पे गणपति जी का दर्शन आप यहाँ पे करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत एक नए ब्लॉग में। अभी मैं अपने दोस्त शुभम के फ्लैट से एक साइड का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शहर है पुणे से 50 किलोमीटर दूर कान्हे, कान्हे में स्थित। तो वहाँ से इस फ्लैट से आपको कुछ चीज़ से वेलियाँ देखने को मिलती हैं, वेलियाँ, और चारों तरफ से ये जगह जो है वेलियों से घिरा हुआ है। सामने एक रेलवे स्टेशन भी है, कान्हे रेलवे स्टेशन। तो ये बैक कैमरे से, चूँकि आपको पता है मेरे फ़ोन में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उसी कैमरे से जैसे तैसे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, कैसा नहीं लग रहा होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बट थोड़ा सा मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ, और बेसिकली हम इस ब्लॉग में आपको शेयर करेंगे यहाँ के गणपति के बारे में। पुणे में घर घर में गणपति ऐसी उठती है जैसे हमारे झारखंड में सरस्वती पूजा होता है, और बंगाल में दुर्गा पूजा, मनसा पूजा और माँ काली की पूजा होती है। तो इस तरह से इस फ्लैट से, ऊपर के फ्लैट से नज़ारे कुछ देखने को मिलते हैं। तो चलिए गलियों में गुजारते हुए आपको दिखाऊं यहाँ के गणपतियों को। तो ये कुछ सोसाइटी है ऐसा, और अभी गणपति जी यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा दर्शन आपको करवाता हूँ यहाँ पे, तो गणपति बप्पा के दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ना बेसिकली हर एक घर पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा ड्रम, और ऐसे ही पंडाल में आपको स्टेचू देखने को मिल जाती है हर जगह पे। एक छोटा सा गणपति बप्पा का दर्शन आप यहाँ पे करते हैं। यहाँ तो एक मैंने एक छोटे से मंदिर में आपको दिखाया कि यहाँ पे गणपति जी का दर्शन आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या जितने भी घर दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी घर दिख रहे हैं आजू बाजू में, सब में गणपति बप्पा की जो स्टेच्यू है, मतलब त्यौहार है, बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन ऐसे करके विसर्जन करते हैं, और एक घर गाँव में होता है। देखिए छोटे से बच्चों को, यहाँ के बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे मैं अभी ब्लॉग कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि मेरा कैमरा जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बस 2x का ऑप्शन है, सेल्फी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, तो किसी तरह से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से सारे नज़ारे। ये ऐसे घर है यहाँ पे, 2x में आपको अलग ही लग रहा होगा देखने में। गैस कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, मेरे पास इस वक्त जिस हालात में हूँ, उस हालात में आपके लिए इतना भी ब्लॉग शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, आप कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से ही मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे सपोर्ट करते हैं। अभी आगे जा करके एक और गणपति बप्पा के दर्शन करवाऊंगा आपको। बगल में ही एक पंडाल यहाँ पे भी बना है जहाँ पे गणपति जी का दर्शन आप यहाँ पे करते हैं। भैया प्रसाद मुझे देंगे अभी, दे दीजिए। बड़ा धीरे धीरे बोल करके आप लोगों के सामने ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। ये कुछ ऐसे सजी हुई है, सभी घरों में गणपति बप्पा की पूजन हुई है, छोटी छोटी स्टेचू स्थापित की गई है। बट क्या है ना कि मैं यार घरों में कंफर्टेबल नहीं हूँ कि किसी के घर में जाकर के ऐसे दिखा दूँ, क्योंकि नया प्लेस है मेरे लिए, और अजीब सी क्वालिटी अभी आ रही होगी, आई नो। और ये मैं जा रहा था वहाँ का छोटा सा मार्केट, अभी अंकल जी के सामने मैं केले खरीदने के लिए जा रहा हूँ, खाने के लिए कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है अभी तो। ये यहाँ के आसपास के इलाकों में रेलवे स्टेशन है आगे पे जा करके, और बहुत ही अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का, आई थिंक वेस्ट बंगाल जैसा ही। आगे भी गणपति बप्पा जी के पंडाल्स बने हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ब्लॉग शूट। गैस आप लोगों को भी पता चल रहा होगा वीडियो में कि पहले जैसी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह आपके साथ जुड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ इस वक्त की अपनी सिचुएशन। तो मेरे बकबक को इतना झेलने के लिए और कुछ अच्छे से नहीं देख पाने के लिए, उस कष्ट के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बट फिर भी अगर आप यहाँ के देखना चाहते हैं ब्लॉग, ये रेलवे स्टेशन के जो लोकल ट्रेन है उसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस मार्केट में घूम घूम के भगवान गणपति जी के दर्शन आपको करवाया, होप सो कि अच्छा लगा होगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको बखूबी मुंबई के और पुणे के बहुत अच्छे ब्लॉग्स आपको आपके सामने ला करके दिखाऊँ। क्या ही करूँ मैं इधर उधर घूम करके आपके साथ किसी तरह से बात कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा प्यार दिखाइएगा जरूर, इस बुरे वक्त में साथ रहिए, बने रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में, बड़ा छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि जानता हूँ क्वालिटी ज़्यादा ठीक नहीं है मेरी। चलिए मिलते हैं गाइस फिर से। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही दिन मेरे थोड़े अच्छे होंगे, मतलब मैं लाऊंगा, कोशिश तो जुटा हुआ हूँ कि किसी तरह से आपके साथ बना रहूंगा। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा मेरे ब्लॉग्स में, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ बने रहते हैं। चलिए थैंक यू।